पावर पॉइंट में फ्लो के एनिमेशन को किस तरह से बनाया जाता है वो इस वीडियो में दिखाया गया है। यहाँ पे हमने एक साइंस एक्सपेरिमेंट को शो किया है जिसमें वाटर का फ्लो दिखाया गया है। नेक्स्ट है सैंड क्लॉक, इसमें सैंड के फ्लो को दिखाया गया है, वो भी इसी पैटर्न से वर्क कर रहा है। आइए हम इसे सबसे पहले साइंस एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट करते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, शेप में जाएंगे, वेसल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। इसके बाद इसका आउटलेट पाइप बनाने के लिए शेप में रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे और इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हमारे को इस वेसल की ज़रूरत है तो उसको एक इसकी कॉपी बनाने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल डी, वो प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम मूव कराएंगे इसे। अब हमारे को इन तीनों शेप्स की एक और कॉपी चाहिए जिसके लिए हम कंट्रोल से सिलेक्ट करेंगे तीनों को और कंट्रोल डी करेंगे। तीनों की इमेज एक साथ बन जाती है। इन तीनों प्रीवियस इमेजेस को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल के साथ और एक पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ शेप फिल आएगा, उसमें जाके नो फिल करेंगे। इससे हमारे को इनकी केवल आउटलाइन मिल गई। ये इसलिए किया है जिससे कि जब ये वेसल खाली हो तो हमारे को वो प्रीवियस आउटलाइन दिखे। अब हम फिल्ड जो इमेजेस हैं उन्हें कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करेंगे और मूव कराएंगे इन आउटलाइन के ऊपर। अब हम चाहते हैं कि एक आउटलेट पाइप और इस डायरेक्शन में लगे तो उसके लिए हम इंसर्ट में जाएंगे, शेप में जाएंगे और रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे और इस तरीके से हम इसे वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगाएंगे। अब हमारे को यहाँ पे इसकी आउटलाइन की जरूरत नहीं है तो इसे डबल क्लिक करेंगे और शेप आउटलाइन में जाएंगे, नो आउटलाइन करेंगे। सबसे पहले हमारे को एनिमेशन चाहिए इस आउटलेट पाइप में, तो हम एनिमेशन के लिए होता है एनिमेशन विंडो में जाएंगे, कस्टम एनिमेशन पे क्लिक करेंगे और फिर ये विंडो खुलेगी। अब इस आउटलेट पाइप को सिलेक्ट करेंगे, एड इफेक्ट में जाएंगे, एंट्रेंस पे क्लिक करेंगे, वाइप करेंगे, इसकी डायरेक्शन देंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसके बाद हम एनिमेशन चाहते हैं इस वाले आउटलेट पाइप के ऊपर, तो इससे सिलेक्ट करेंगे, एड इफेक्ट में जाएंगे, एंट्रेंस पे जाएंगे, वाइप करेंगे, डायरेक्शन देंगे इसे फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस होनी चाहिए, क्योंकि इस आउटलेट के बाद वाटर इस वाले आउटलेट में आएगा। अब हम एनिमेशन लगाएंगे इस वेसल के ऊपर, इसमें एड इफेक्ट करेंगे, एग्जिट में जाएंगे, वाइप करेंगे, अब इसकी डायरेक्शन देंगे हम टॉप टू बॉटम। इसकी स्पीड हम वेरी स्लो कर देंगे जिससे कि प्रेजेंटेशन ठीक रहे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इसकी प्रॉपर्टीज स्टार्ट विथ प्रीवियस हो, क्योंकि वाटर का फ्लो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है यहाँ तक। इसके बाद हम एनिमेशन देंगे इस वाले वेसल पे, एड इफेक्ट करेंगे, एंट्रेंस में जाएंगे, वाइप करेंगे और इसकी स्पीड हम वेरी वेरी स्लो करेंगे। यहाँ पर भी प्रॉपर्टीज में स्टार्ट विथ प्रीवियस होगा क्योंकि ये वाला वेसल खाली हो रहा है और ये वाला वेसल भर रहा है, दोनों ही एक साथ साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं। अब देखते हैं इसका स्लाइड शो, ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। इस तरीके से हम किसी भी फ्लूइड का फ्लो दिखा सकते हैं पावर पॉइंट में। नेक्स्ट हम ड्रॉ करते हैं सेंड क्लॉक। इंसर्ट में जाएंगे, शेप में जाएंगे, ट्राइंगल में जाएंगे और ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। इसी की कॉपी बनाने के लिए कंट्रोल डी करेंगे और इस पे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ रोटेट में जाएंगे, फ्लिप वर्टिकली करेंगे, मूव करा लेते हैं। अब हम इनकी कॉपी भी चाहते हैं तो कंट्रोल डी करेंगे, जो बैकग्राउंड इमेजेस हैं उनको सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल के साथ और शेप फिल में जाएंगे, नो फिल करेंगे। अब हमारे को आउटलाइन मिल गई है, दोनों ही फिल्ड इमेजेस को इस पे ओवरराइट करा देंगे। एक और हमारे को रेक्टेंगल चाहिए, शेप में जाएंगे, रेक्टेंगल लेंगे और इसके फ्लो को शो करेंगे। ये सैंड के फ्लो को शो करेगा। यहां पे हमारे को इसकी आउटलाइन की जरूरत नहीं है तो हम इसे शेप आउटलाइन में जाएंगे, नो आउटलाइन करेंगे। अब सबसे पहले एनिमेशन इसी में आएगा तो इसे क्लिक करेंगे, एड इफेक्ट में जाएंगे, एंट्रेंस में वाइप करेंगे और फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसके बाद हम एनिमेशन लगाएंगे ट्राइंगल के ऊपर, एड इफेक्ट में जाएंगे,
एंट्रेंस में जाएंगे, वाइप पे जाएंगे, इसकी स्पीड हम वेरी स्लो कर देते हैं, और इसके बाद हम एनिमेशन लगाएंगे टॉप ट्रायंगल के ऊपर, एड इफेक्ट में जाएंगे, एग्जिट में जाएंगे क्योंकि इसमें से सेंड पास हो रही है, वाइप में जाएंगे और इसकी डायरेक्शन रखेंगे हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम और वेरी स्लो। नाउ अब चेक करते हैं हम एनिमेशन ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। इसमें एक और इशू है, स्टार्ट विद प्रीवियस, ये भी करेंगे और इस वाले में भी स्टार्ट विद प्रीवियस करेंगे। अब ये प्रॉपरली वर्क करेगा इस तरीके से। तो आपने देखा स्टार्ट विद प्रीवियस की इंपॉर्टेंस। स्टार्ट विद प्रीवियस का मतलब यही होता है कि जब आपका फ्लो इस वाले रेक्टेंगल में स्टार्ट हो गया है उसके साथ ही स्टार्ट हो जाए। तो इस तरीके से हमारे को दोनों ही प्रॉपर्टीज में स्टार्ट विद प्रीवियस सेलेक्ट करना होगा और ये वर्क करेगा इस तरीके से। तो ये आपका सेंड क्लॉक वर्क कर रहा है। आप इसी तरीके से आप अपने किसी भी डायग्राम में, सर्किट में या किसी भी प्रेजेंटेशन में फ्लो आप दिखा सकते हैं, वो आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए।